नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर हम हल्दी की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर काफी बड़ा मोमेंटम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महीने के अंदर लगभग 112% की बड़ी तेजी हमने हल्दी के भाव में आते हुए देखी। चार्ट पे भी आप देखिए कि मार्केट पहले एक सीमित जनवरी से अगर हम देखें तो मार्केट धीरे 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 गिरावट ही दिखा रहा था। मई में कुछ उछाल आया, फिर गिरावट आई, बट आप देख सकते हैं जून में एंटर करने के बाद मार्केट में रॉकेट की तरह मार्केट में तेजी बनी, जो लगभग 18,000 का भाव हमने छूते हुए देखा है। तो पिछले 6 महीने के अंदर की अगर हम बात करें या साल भर की अगर बात करें तो लगभग 125% की तेजी हमने हल्दी में देखी। हल्दी एक ऐसी कमोडिटी बन गई है जो मात्र 2 महीने में, या हम बोल सकते हैं मात्र 3 महीने में, वर्स्ट इन केस डबल होने वाली ऐसी कमोडिटी बनी है, जिसमें हमने लगभग 6,000 से 12 नहीं लगभग 18,000 का भी भाव बनते हुए देखा है। कुल मिलाकर ये साल में अब आज की डेट में एक 97% का जंप या ये साल में हल्दी में डबल हुआ है। नाउ अब हम आ जाते हैं सीजनैलिटी के ऊपर, क्योंकि आज के इस 5 मिनट में हम देखेंगे खाली टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव और सीजनैलिटी प्रोस्पेक्टिव। तो सीजनैलिटी की बात करें तो स्विंग के बारे में हमें पता है कि इस बार स्विंग अच्छी रहने की उम्मीद थी, हुआ नहीं। क्यों? मानसून खराब था। स्विंग में करीबन माना जा रहा है अभी भी कि 20-30% तक की भी कमी आ सकती है, जिसके चलते हमने रिसेंटली नहीं, पहले से ही हमने तेजी बनते हुए देखी। आप मई में देखिए कि जैसे ये न्यूज बनी प्राइजेस में 18% की बड़ी तेजी मई में बनी, देन जून में भी हमने 23-24% की तेजी देखी है, जुलाई में 55% की तेजी देख ली, और अगस्त में भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस ने 18,000 का लेवल दिखा के इस वक्त 16,100 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्विंग के बाद ग्रोथ रहता है, ग्रोथ के लिए बरसातें काफी इंपॉर्टेंट होती है, और IMD ने क्लियर कट कहा है सेकेंड स्पेल में बरसातें कमजोर रहेगी, जिसका भी असर प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो अगस्त मंथ में तो तेजी रहती है, बट हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि सितंबर हमेशा गिरावट भरा रहता है, और आप देख सकते हैं सितंबर चाहे 2018 की बात करें तब भी हमने 1.5% की गिरावट देखी थी, 2019 में भी 10% की बड़ी गिरावट देखी, 2020 में 6% की गिरावट, 2021 के अंदर 8% की गिरावट, 2022 के अंदर भी 7.5% से ज्यादा की गिरावट थी। तो अगस्त के आधा टाइम निकल चुका है, आज 24 तारीख है, और सितंबर में गिरावट भी दिखा रहा है। हिस्टोरिकल चीजें है, क्योंकि जो स्विंग को लेकर अटकलें लगी हुई थी वो तो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, तो सीजनैलिटी कहीं ना कहीं बताती है कि मार्केट में गिरावट बन सकती है, और क्यों ना बने, क्योंकि ऑलरेडी हमने 125% की तेजी देखी है, तो अगर 10-20% की अगर गिरावट आ भी जाती है तो ये एक तरह का हेल्दी करेक्शन रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो टाइट रहनी है, आगे जाके एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी रहेगी, सब चीज मान्य है, बट सितंबर में एक करेक्शन ड्यू है, तो जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है। शॉर्ट की सलाह नहीं है, बट एटलीस्ट आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन बनी है जो बनाई गई थी उसमें कम कर लेना चाहिए, मार्केट में एक करेक्शन पॉसिबल है। बट वहीं अक्टूबर की अगर बात करें तो सितंबर की गिरावट के बाद अक्टूबर में तेजी, नवंबर में स्टेबिलिटी, और दिसंबर में फिर मार्केट में एक बड़ी तेजी बन जाती है। तो इस ढंग से सीजनैलिटी के हिसाब से हमें लगता है कि अगस्त के अंदर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव बन दे देगा, बट सितंबर में एक बड़ी करेक्शन ड्यू है, जिसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। क्या यही चीज टेक्निकल पे भी दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। आप ये देखिए, टेक्निकल में 2016 से लेकर अभी तक का अगर मैं एक राउंडिंग बॉटम बनाता हूं तो मुझे क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट में एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बना है मंथली चार्ट पे। उसके बाद मार्केट ने 11,200 का लेवल छूने के बाद एक गिरावट लिया, फिर से 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा था, बट एकाएक जैसे स्विंग की न्यूज मिली हम देख सकते हैं मार्केट रॉकेट की तरह 6,000 रुपए से बढ़ता हुआ सीधा 18,000 रुपए जाके हिट होता हुआ दिखाई दिया। ये जो लाइन है 100 का, ये हम इसको बोलते हैं नेक लाइन, और नेक लाइन के अंदर कहीं पे भी अगर हम देखते हैं तो एक क्लैरिटी ये मिल जाती है कि कभी भी नेक लाइन ब्रेक होगा तो एक अच्छी तेजी बनेगी, और आप देख सकते हैं उसका मौका ही नहीं बना। 11,100 का लेवल टूटने पे सीधा ही हमने प्राइजेस को 18,000 पे जाया। अब ये 18,000 सही टारगेट कैसे मिलता था? तो उसके लिए हमने क्या किया, कप एंड हैंडल का या राउंडिंग बॉटम का ये जो डेप्थ होता है इसी को एज ए टारगेट के रूप में लेते हैं, और इसको जब एक्सटेंड किया तो हमें टारगेट पहले ही मिल गया था कि 17,250 तक का लेवल दिखा सकता है। तो एग्जैक्टली तो देखिए मार्केट है ऊपर नीचे होता है, तो हमने 17,200 का लेवल टूटते हुए देखा और 18,028 का हाई मार्कर प्राइजेस अब करेक्शन मोड पे अटका हुआ है।
तो टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस 15,550 का इमीडिएट सपोर्ट पे खड़ा है। और पहली बात तो हमारा जो टारगेट था टेक्निकल चार्ट पे जो टारगेट बना था वो तो अचीव हो चुका है, जिसके चलते यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की प्रॉबिलिटी बन जाती है और वो दिखाता है कि अगर प्राइजेस ने 15,550 का लेवल तोड़ा तो कहीं ना कहीं 13,000-13,200 तक का पुलबैक मिल सकता है, जो फिबोनाची का 127.2% का एक अच्छा लेवल है। और ये पॉसिबल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपने सीजनैलिटी देखी है और सीजनैलिटी में देखिए 6.5% की एवरेज गिरावट बनती ही बनती है। तो इस वक्त अगर हम 16,000 का भाव भी अगर पकड़ के चलते हैं और इसके अंदर 7% की गिरावट भी देखें तो बैर मिनिमम 14,500 तक का तो लेवल मिलेगा। तो आप मान सकते हो वॉलिटी तो ज्यादा है ही और प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में गिरावट आती है। तो वर्स्ट इन केस 13,000-13,500 के बीच में हमें हल्दी में एक बार ड्रॉप आते हुए मिलेगा और वहां से मार्केट में एक तेजी बनेगी जो नया हाई भी लगाएगा, लेकिन 18,000 तोड़ना इंपॉर्टेंट। अगर प्राइजेस ने 18,000 का लेवल तोड़ देते हैं तो डेफिनेटली हम 20,000 का लेवल भी जल्द तोड़ते हुए देखेंगे। बट जल्द मतलब ये है नवंबर दिसंबर जनवरी की बातें हैं, लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है जब तक 18,000 का लेवल ब्रीच नहीं होता है हाई पॉसिबिलिटी कि हम 15,550 के नीचे जाने पे 13,000 से 13,500 तक का एक पुलबैक देख सकते हैं। क्राउड अभी भी ग्रीन है बट टेक्निकली मार्केट में एक करेक्शन जरूर ड्यू है, वॉल्यूम्स भी पार्टिसिपेशन अच्छा है तो पार्टिसिपेट जरूर बनाते रहिए हल्दी के अंदर, बट थोड़ा एक पुलबैक हाई पॉसिबिलिटी है मिल सकता है। जब तक 18,000 का लेवल नहीं तोड़ता है 13 की तैयारी कर लीजिए, 13,000-13,500 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है हल्दी के अंदर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे, कम्युनिटीज को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स कमोडिटी के ऊपर मिलती जाए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।